मारा से सिमरन भी इसी रेस्टोरेंट में। डेटिंग टुगेदर हाँ? अच्छा लगा ये देखकर कि तुम अभी के बिना जीना सीख रही हो। सिट हियर, तुम्हारा ऑर्डर गलती से हमारे टेबल पे आ गया था। कोर्स डॉक्टर मानस अवस्थी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप ही ने तो मेरे बच्चे की जान बचाई थी। औरत को बीवी का दर्जा दिया जाता है ना, तो कोई कह उस पर ऐसी वैसी नजरें नहीं डाल। डॉक्टर साहब, हम लोग भाई को इधर क्या सोच के लाए, लेकिन इधर पर उदास है वो। हाँ, मेरे को लगता है रोने वाली है अभी। विदान, थैंक यू। नाइस प्लेस ना मानस, शांत है। चलो नहीं, इधर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि हम शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ आ गए इस खुली हवा में। मैं जब यहाँ पिछली बार आई थी ना मानस, मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं यहाँ दोबारा जरूर आऊंगी। अपनी पुरानी यादें ताजा करके उदास होने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के सवालों का जवाब तलाश कर उनका सामना करने। और मैं अपनी इस ख्वाहिश को अपनी पुरानी बातों की परछाई में गुम नहीं होने दूंगी। बहुत कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। कहाँ चले गए सब? इतनी देर लगती दरवाजा खोलने में? वो ऊपर सफाई कर रही थी मेम साहब। सोनू कहाँ है? सोनू बाबा और साहब तो एक हफ्ते के लिए भारगांव गए। पानी लाओ। Anything for dessert, ma'am? No, that's it. Just get us a check. Yes, sure. Manas, तुमने उर्मिला से कहा है कि तुम सोनू को लेकर यहाँ आए? ये सवाल अचानक क्यों? नहीं, बस ख्याल आया था। नहीं, मैंने नहीं बताया। और क्या तुम्हें लगता है कि ये बात छुपाकर तुमने ठीक किया? बात बताने वाली कोई बात नहीं थी, सो मैंने उसको नहीं बताया। और वैसे भी वो मुझसे ये कह रही थी कि छुट्टियों में वो सोनू को अपने साथ ले जाएगी, जो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि वो क्या सोचेगा उर्मिला और अश्विन के बारे में। इसलिए मैं उसे अपने पास ही रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। हालांकि उस वक्त उर्मिला ने मुझसे पूछा था कि यही बात है या कोई और भी प्लान्स हैं, लेकिन मैंने बात को टाल दिया। ऐसे क्या देख लू तुम्हें? जो इंसान हमेशा सीधी बात करता है, जो सिर्फ सच कहता है,
मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि उसने उर्मिला के इतने डायरेक्ट सवाल का ऐसा जवाब कैसे दे दिया, उसे टाला कैसे, छुपाया कैसे। गेट ऑन द अदर हैंड, जब मैं हालात देखती हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। छोड़ो, तुम भी पता नहीं किन बातों में पड़ गई हो। हम लोग यहाँ पर अपनी परेशानियों से, अपनी उलझनों से दूर होने के लिए आए हैं, उन्हें याद करके और परेशान होने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। और वैसे भी इतना अच्छा खाना खाया, अभी क्यों हाजमा खराब कर दिया? No, you're right. हम जो पीछे छोड़कर आए हैं वो इसलिए पीछे छोड़कर आए हैं कि आगे बढ़ सके, है ना? बिल्कुल, और आगे बढ़ने वाला कोर्स कल सुबह से शुरू होने वाला है। I'm really looking forward to it. नहीं नहीं खा, चल शाबाश। अभी थोड़ा सा बचा है ना, पेट भर गया। क्या पेट भर गया, झूठ बोलता है। थोड़ा सा बचा है इसको फिनिश करने का। मेरे को मालूम है तू बहुत नाटक कर रहा है। मेरे को मालूम है तेरे को खाना काहे को नहीं खाने का है, तेरे को आस्था बेबी के साथ खेलने का है ना। मुझे एक बात बताइए, क्या है आस्था का मेरा एक और भाई बहन क्यों नहीं है? बहुत अच्छा होता ना, हम दोनों अकेले भी नहीं होते। मैं स्कूल से आके उसके साथ खेलता है ना। अरे देवा, आजकल के ये बच्चे क्या क्या सवाल करते हैं, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कुछ बोला च नहीं तो कैसे सुनाई देगा। हाँ तू ले, तू बहुत बात करता है, खाना खा। बोलो ना, क्यों नहीं है? अरे वाह, वेरी गुड, एकदम सॉलिड टाइम पे आए तुम लोग। अच्छे टाइम पे आए। क्या हुआ? वो खाना वाना हो गया ना बच्चों का। चलो सोने का टाइम हो गया सोनू, अब चलेंगे अपने कमरे में, चल के सो जाएंगे। नहीं पापा, आस्था को थोड़ी देर और। आस्था को अब सोने दो, चलो बहुत हुआ, कल खेलना उसके साथ। गुड नाइट। गुड नाइट आस्था। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर साहब। गुड नाइट। गुड नाइट मानस। नाइट। तुमने खाना खाया? नहीं, खाना ऑर्डर भी नहीं किया। किया ना, बच्चों को खिलाया। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हाँ, मेरे को नहीं चाहिए, खाया ना भाई, बच्चों के साथ खेलते खेलते मेरी तो भूख ही मर गई, बहुत मजा आया। ऐसा नहीं है, भूखे पेट नहीं सोया जाता। मेरे को भूख ना ही लगली बाबा। मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ। अगपन शगुना भाई, तुम सुनती नहीं मेरी बात। सो हैप्पी? यस पापा, मैं कल भी पूरा दिन आस्था के साथ खेलूंगा। हाँ खेलना, मैं तो सिमरन आंटी के साथ बिजी रहूंगा उस कोर्स में, तुम आस्था के साथ खेलना, उसका ध्यान रखना। पापा आस्था कितनी प्यारी है ना, और भाई भी अच्छे है, पर एक बात अच्छी नहीं है। क्या बात अच्छी नहीं है? भाई जबरदस्ती खाना खिलाती रहती है। तो खाना तो खाना पड़ेगा ना, वो तो जरूरी है। हाँ। फिर उसको तंग नहीं करना बिल्कुल, और आस्था को भी तंग मत करना। मैं का तंग करता हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं करते हो भाई, उनको ऐसे ही समझा रहा हूँ, बहुत छोटी है वो, उसका ख्याल रखना। यार यंग बॉय, चलो सो जाओ अभी। पापा मेरा और आस्था का एक और भाई बहन क्यों नहीं है? बहुत अच्छा होता ना, आप हॉस्पिटल में होते और मैं उसके साथ खेलता, कहिए ना पापा। रात बहुत हो गई, सो जाओ। सो तो रहा हूँ पापा, लेकिन आपने बताया नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब तुम सुबह जल्दी उठ के खेलना है कि नहीं खेलना? जी। तो चलो फिर सो जाओ चुपचाप। पापा अभी तो आपने कहा कि मैं यंग बॉय हूँ। अरे तो सोना तो पड़ेगा ना यार, हो यंग बॉय है, समझदार हो, पापा की बात मान के। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा, चल सो जाओ। पापा आप अपने कोर्स के बाद मेरे साथ खेलेंगे? हाँ खेलेंगे। प्रॉमिस। क्रिकेट? क्रिकेट शाम को, लेकिन पहले सो जाओ भाई, अगर सो गए नहीं तो फिर और कोई बात नहीं है। चल गुड नाइट। सोनू बहुत अच्छा लड़का है, एकदम अपने पप्पा पे गया है, मस्त एकदम। पर मेरे को इतना टेंशन आया मालूम भाई, मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को लगा कि पता नहीं वो सोनू कितना मस्ती करेगा, मेरी सुनेगा कि नहीं, पर नहीं यार, एकदम मस्त खेला आस्था के साथ, एकदम भाई बहन जैसा खेला, मस्त। तुमको नींद आ रही है क्या? मेरे को नींद नहीं आ रही है, ये नया जगह होता है ना तो मेरे को ऐसे प्रॉब्लम ही होता है। भाई एक बात
बोलो। बोल भी दो अब, वरना तुम्हें नींद नहीं आएगी। बराबर। वो कहा है ना कि अपने डॉक्टर साहब है ना, एकदम अच्छे, एकदम तुम्हारी तरह शांत, सरल, समझदार, सबके सुख दुख में साथ देते हैं, है ना? भाई तुमको कभी ऐसा नहीं लगा कि तुमको उनसे शादी करनी चाहिए थी? शबनम, तेरा भी ना दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। क्या हो गया? आदमी और औरत में सिर्फ शादी का रिश्ता हो सकता है, वो दोस्त नहीं हो सकते क्या? हो सकता है ना, पर तुमने मेरे को बोला था हस्बैंड एंड वाइफ में पहले दोस्ती होनी चाहिए, वो दोस्त होने चाहिए, बोला था कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा सॉरी, मेरे को तुमको ये सब बात नहीं बोलने को चाहिए था, अभी नहीं बोलेगी, अभी मैं सोएगी, तुम पन सो जाओ। सॉरी सॉरी, गुड नाइट। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? मानस ने तो मुझे इस चैन से ना सोने देने की कसम खा रखी है। अब क्या किया मानस ने? You know something? मानस से दूर रहकर मैं उसे ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हूं। अब असली रंग सामने आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि सोनू को इन छुट्टियों में मेरे पास छोड़ दो, तो ही रिफ्यूज्ड, और अब बिना मुझे बताए सोनू को छुट्टियों पर लेकर गए हैं, वो भी उस सुमरन के साथ, ताकि मैं उसे मिल ना सकूं। He is so selfish. तुमसे मैंने हमेशा कहा है कि मानस बहुत ही चालाक और श्रूड इंसान है, वो तुम्हारी तरह दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। जस्ट इमेजिन, अगर मानस सोनू को यहां तुम्हारे पास छोड़कर सिमरन के साथ कहीं बाहर जाता तो लोगों को उनके बारे में खुलकर बातें करने का मौका मिलता। सोनू का साथ मानस और सिमरन के रोमांस को एक बहुत ही डिसेंट नाम देता है। हाउ रोमांटिक। यू राइट। मुझे ताजुब हो रहा है कि मानस जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। उसने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया है ये कहकर कि मैं एक अच्छी मां नहीं हूं, और अब सिमरन के साथ हॉलीडेज पर चला गया, और वो भी सोनू को लेकर। नाउ आई वांट टू आस्क हिम, मानस, आर यू अ गुड फादर? अब छोड़ो भी और मिला नहीं अश्विन, इतनी आसानी से नहीं। मेरी नींद खराब करने वाले को मैं इतनी आसानी से सोने नहीं दूंगी। प्यार करना तुम्हीं से सीखा है मैंने, सच्ची। तुमसे पहले बस काम ही मेरी पूरी जिंदगी थी, लेकिन जब से तुम आए हो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। अगर तुम ना आते ना तो जिंदगी यूं मेरी आंखों के सामने से निकल जाती और मुझे पता ही नहीं चलता। और जब से तुम मुझे मिली हो मैं आसमान छू लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सबसे आगे निकल जाना चाहता हूँ। और देखना ऐसा ही होगा, आई प्रॉमिस। कितना वक्त बीत गया है,
कितना कुछ बदल गया है इस दौरान। हर पल कुछ दे जाता है तो कुछ ले भी जाता है अपने साथ। हमेशा सोचती थी कितना खोया है मैंने, शायद पानी से भी कहीं ज्यादा, लेकिन नहीं, मैं कितनी गलत थी। तुम जो हो मेरे साथ, मेरे पास, मेरी आस्था। क्या बात है? क्या नहीं, ऐसे मूड में तुम्हें बहुत कम पाती हूँ तो सवाल पूछना शुरू कर देती हूँ। एक बात बताओ, मूड इंसान का जाए जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ये सवाल कहाँ से बीच में आ जाता है? ठीक है, नहीं करती सवाल। That's more like सुनो, छोड़ो ना उसे। अरे कोई इम्पोर्टेंट कॉल भी तो हो सकती है। इस वक्त से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? देखने तो दो। तो हेलो। हाय किरण, अनिल। ओ हाय मिस्टर शौरी, आप इस वक्त? क्यों, इस वक्त फोन करके मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नो, नॉट एट ऑल मिस्टर शौरी। कम ऑन किरण, तुम कब तक मुझे मिस्टर शौरी कहते रहोगे? कॉल मी अनिल ना, मेरा नाम बुरा तो नहीं है? वो आपको कभी आपके नाम से नहीं पुकारा तो अब पुकार लो। इट्स नेवर टू लेट। अच्छा आप बताइए कि इतनी रात को कैसे फोन किया? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है किरण की, सुबह तक मैं इंतजार नहीं करना चाहता था। आई हैव एन ऑफर फॉर यू। ऑफर मेरे लिए? आई मस्ट कन्फेस किरण, मैं किसी ना किसी तरह से तुम्हें अपनी कंपनी से जोड़ना चाहता हूँ। यू नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट यू आर इंटेलिजेंट ऑल्सो, सो नाउ यू आर एम्बैरेसिंग मी। नो आई एम सीरियस। मेरी कंपनी गारमेंट्स के साथ साथ फैशन एक्सेसरीज में भी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, और मेरा ये मानना है कि किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए नए होराइजंस को फैलाना और बढ़ाना बहुत जरूरी है। Yeah, you're right. So, why don't you join me? Part time is it? As a consultant? I don't believe Mr. Shori, लेकिन क्या मैं इस काबिल हूँ? Come on, किरण, अब तुम चाहो तो मैं घंटों घंटों तक तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें कन्विंस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। Mr. Shori, you are too much. तारीफ करने का ढंग तो कोई आपसे सीखे। तो कल मिलकर सारे डिटेल्स डिस्कस कर लें। या श्योर। ओके एंड सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके देन, गुड नाइट किरण। माय प्लेजर, गुड नाइट। क्या जरूरत पड़ गई तुझे इतनी रात को? अभी आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है मिस्टर शौरी ने मुझे अपनी कंपनी में पार्ट टाइम कंसल्टेंसी ऑफर किया। कसम, मुझे इस आदमी का इतनी रात को तुम्हें फोन करके तुमसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। और क्या कह क्या रहा था वो, ऐसा इतना मुस्कुरा रही थी तुम? हाँ, अभी व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? हम मिस्टर शौरी के लिए काम करते हैं और किसी भी इमरजेंसी में वो हमें कभी भी फोन कर सकते हैं। देखो, हम उनके लिए काम करते हैं, गुलाम नहीं है उनके। An emergency, my foot. अभी मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस बदलते मूड से। और प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जेलस फील कर रहे हो? मैं जेलस फील कर रहा हूँ? God help her. मैं जेलस फील कर रहा हूँ? Listen. You go and join him full time, okay? Do that. वैसे मैं देख रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ambitious होती थी। अभी मैं ambitious पहले से थी। तुम्हारी तरह emotional होके decisions नहीं लेती मैं। बेवकूफ तो मैं ही हूँ ना दोनों के बीच में। अब कहाँ जा रहे तुम? बाहर जाके सोने की कोशिश करूंगा कम से कम। अभी अभी लिसन टू मी, अभी